गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, मेरी वॉइस आ रही है आपको? यस मैम। यस मैम। ओके, टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर 12, सोर्सेस ऑफ एनर्जी। एनर्जी के बारे में तो आपको पता है, लेकिन एनर्जी हमें मिलता कहाँ से है, उसके सोर्स क्या क्या है, उसके बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए रीड करते हैं। सबसे पहले मैं करूँ निदा परवीन। साइड वंस रीड करो। साइड वंस। यस मैम। कहाँ से करना है? रीड करो स्टार्टिंग से। सोर्सेस ऑफ एनर्जी। वी नीड एनर्जी टू परफॉर्म फिजिकल एक्टिविटीज एज वॉकिंग, रनिंग, पिकिंग अप थिंग्स, रिमूविंग थिंग्स एक्सेट्रा। इन आवर अर्लियर क्लासेस वी हैव लर्न अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जीज एंड केमिकल, इलेक्ट्रिकल, साउंड, लाइट एंड हीट एनर्जीज। वी नो दैट वन टाइप ऑफ एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म टू अनदर टाइप। Write a list of the uses of the given energy in your daily life. We find that most of the energy used by us is electrical energy. Have you ever wondered from where we get this electrical energy? How this electrical energy is produced and distributed from the distributing centers to far off places? Come, we will do an experiment to find from where we get electrical energy. मैम हो गया। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। ओके, चैप्टर 12, सोर्सेस ऑफ एनर्जी। वी नीड एनर्जी टू परफॉर्म फिजिकल एक्टिविटीज एज वॉकिंग, रनिंग, पिकिंग अप थिंग्स, रिमूविंग थिंग्स एक्सेट्रा। जब भी आप कुछ भी काम करते हैं, जैसे चल रहे हो, दौड़ रहे हो, किसी चीज को उठाने के लिए, किसी चीज को रिमूव करने के लिए आपको एनर्जी की जरूरत होती है ना। इन आवर अर्लियर क्लासेस वी हैव लर्न अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज। हमने कौन कौन से एनर्जी के बारे में पढ़ा प्रीवियस क्लास में, बताइए। मैम केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी, लाइट और हीट एनर्जी। Heat energy. We know that one type of energy can be transferred to another type. हमने पढ़ा है कि एनर्जी जो है ना, तो एनर्जी जो है सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, मतलब एनर्जी जो है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती है। ठीक है। Yes ma'am. अब आपको अपने डेली लाइफ में जिस एनर्जी का यूज होता है उसके बारे में बताना है। We find that most of the energy used by us is electrical energy. जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ज्यादातर जो एनर्जी वो जो हम यूज करते हैं घर में वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही होती है, क्योंकि हम घर में बहुत सारी चीजें यूज करते हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यूज करते हैं, तो वो उसको एनर्जी कहाँ से मिलती है? इलेक्ट्रिसिटी से ही है ना, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गया। ठीक है। Have you ever wondered from where we get this electrical energy? क्या आपको पता है कि ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो कहाँ से मिलती है? How this electrical energy is produced and distributed from distributing centers to far off place? ये जो electrical energy है वो कैसे बनती है और इसे फिर कैसे distribute किया जाता है, घरों में कैसे भेजा जाता है, क्या आपको पता है? तो चलिए इसी से related हम यहाँ पर कुछ electrical energy के बारे में पढ़ते हैं। Come, we will do an experiment to find from where we get electrical energy. यहाँ पर कुछ experiment दिए गए हैं जिससे हम ये पता लगाएंगे कि electrical energy कहाँ कहाँ से मिलती है। ठीक है। जिसमें सबसे पहले है hydro electrical energy. Activity 1 हम यहाँ पर read करेंगे। आकृति read करो। Yes. हाँ read करो। Activity 1, material required. Empty matchbox, four small plastic spoons, one empty refill. Make cuts on four sides in the horizontal part of the matchbox. Fix the four spoon on these cuts as shown in Figure 12.1. A.
make a small hole in the center of the matchbox and insert the empty refill in it. Place this apparatus under water filling from a tap or source in 12.1b. What happened when water falls on the spoon? Somewhat similarly agreement is there in drums where the accumulated water is made to flow with a force such that the turbines on it away turn or rotate. This turbine is connected by a shaft to generator which produce electricity. Figure number 12.2. In Chhattisgarh, hydroelectricity is produced at Hasdev, Bango and General Dam projects. Ma'am, ho gaya? Okay. एक्टिविटी वन में हम देखते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिकल एनर्जी. हाइड्रो मतलब यहाँ पर पानी से रिलेटेड है, ठीक है. पानी के द्वारा कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है, ठीक. इसके लिए हम इस एक्टिविटी को समझने के लिए मटेरियल लेते हैं. एम्प्टी मैच बॉक्स मतलब खाली माचिस लेंगे. फोर स्मॉल प्लास्टिक स्पून, वन एम्प्टी रिफिल. मेक अ कट्स ऑफ ऑन फोर साइड्स इन द हॉरिजॉन्टल पार्ट ऑफ द मैच बॉक्स. मैच बॉक्स जो आपने लिया है उसका जो हॉरिजॉन्टल पार्ट ये साइड्स हैं, फोर साइड्स जो है उसको कट कर देना है, ठीक है. और जो फोर स्पून आपने लिया है, जैसा कि ड्रॉ में दिखाया गया, इस ड्रॉ को देखिए, ये फोर स्पून जो आपने लिया है उसको उसमें फंसा देना है, हल्का सा कट करके उसमें उसको फंसा देना है, ठीक है. उसके बाद उसके सेंटर पर एक होल करना है, मैच बॉक्स के सेंटर पर एक होल करना है और जो खाली रिफिल आपने लिया है उसे उसमें फंसा देना है, ठीक है. और ये जो एपरेटस आपने तैयार किया है उसे आपको पानी में रखना है. जैसा नल से जो पानी गिर रहा होगा ना, उसमें फिर पानी में आपको रखना है, ठीक है. व्हाट हैपेंड व्हेन वाटर फॉल्स ऑन द स्पून. क्या होगा जब स्पून पे पानी गिरता है. यहाँ पर देखिए, ये जो स्पून दिख रहा है आपको, इस पे पानी गिर रहा है. तो क्या होता है जब इस स्पून पे पानी पड़ता है. सम व्हाट सिमिलर अरेंजमेंट इज देयर इन डैम्स वेयर द अक्यूमुलेटेड वाटर इज मेड टू फ्लो विद अ फोर्स सच दैट द turbines on its way turn or rotate. तो देखिए, जिस तरह से ये हमने स्मॉल एपरेटस बनाया है उसी तरह से एक इंस्ट्रूमेंट डैम में, इसी तरह का इंस्ट्रूमेंट जो होता है, अरेंजमेंट जो होता है वो डैम में या फिर जहां पर पानी जमा होता है वहां पर इसी तरह का अरेंजमेंट किया जाता है जिससे जो पानी बहता है वो फोर्स के साथ बह सके. और जो टर्बाइन्स होता है, इसी तरह का टर्बाइन लगा होता है जो हमने मैच बॉक्स से बनाया है ना, उसको हम कहेंगे टर्बाइन्स, ठीक है. टर्बाइन्स जो होता है रोटेट होता है, घूमने लगता है. देखिए, जब आप मैच बॉक्स वाला जो इंस्ट्रूमेंट बनाएंगे ना, उसको आप नल के पानी के नीचे रख के देखेंगे तो जैसे ही पानी स्पून पर पड़ता है तो वो जो एपरेटस हमने बनाया वो रोटेट होने लगता है. रोटेट होगा, घूमने लगेगा ना, घूमने लगेगा. तो ऐसे बड़े 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 डैम्स में या जहाँ पर पानी जमा होता है वहां पर इस तरह का जो एपरेटस लगाया जाता है जिसको टर्बाइन्स कहते हैं. जब प्रेशर के साथ में, फोर्स के साथ में पानी बहता है तो टर्बाइन्स जो है रोटेट होने लगता है, घूमने लगता है. ये जो टर्बाइन होता है, दिस टर्बाइन इज कनेक्टेड बाय अ शाफ्ट टू जनरेटर विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. ये जो टर्बाइन होता है वो शाफ्ट के द्वारा जनरेटर से कनेक्टेड होता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है जब टर्बाइन घूमता है. यहाँ पर देखिए, शाफ्ट दिखाई दे रहा है आपको ड्रॉ में, ये शाफ्ट है, ठीक है. शाफ्ट से टर्बाइन जो है, शाफ्ट से जनरेटर से कनेक्टेड होता है, ठीक.
जब पानी आता है और ये टर्बाइन घूमता है, ठीक है, जिसके वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। इन छत्तीसगढ़ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड एट हरसेव बांगो एंड गंगरेल डैम प्रोजेक्ट। छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है? हरसेव बांगो में और गंगरेल डैम में इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। ओके, क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। यस मैम। ओके, नेक्स्ट इज टाइडल एनर्जी। चलिए दृष्टि रेड कीजिए। यस मैम। रीड करो दृष्टि। यस मैम। टाइडल एनर्जी अनदर एग्जांपल ऑफ द यूज ऑफ द एनर्जी इन द फ्लोइंग वाटर इज द यूज ऑफ द हाई एंड लो टाइड्स ऑफ द सी टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फॉर दिस डैम्स आर मेड एट द माउथ ऑफ सी बेस। एट हाई टाइड द लेवल ऑफ द वॉटर इंक्रीजेस एंड वॉटर फ्लोस इन टू द डैम विच मेक्स द टर्बाइन्स प्लेस्ड ऑन द वे rotate. Figure 12.3a. In the same way, at low tide, water flows from the dam to the sea, which again makes the turbine rotate. Figure 12.3b. The turbines are connected to the generator and they produce electrical energy. The source of electrical energy here is tidal energy. In India places, for tidal energy has been discovered. These are at Bay of Kutch in गुजरात एंड द ईस्टर्न बॉर्डर नियर वेस्ट बंगाल। मैम हो गया। ओके, टाइडल एनर्जी। टाइडल मतलब होता है ज्वार भाटा, ठीक है। अनदर एग्जांपल ऑफ द यूज ऑफ द एनर्जी इन फ्लोइंग वाटर इज द यूज ऑफ द हाई एंड लो टाइड्स ऑफ द सी टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आपने सुना है टाइडल वेव के बारे में? देखिए यहाँ पर डैम में जो पानी बहता है, ठीक है, वो हाई और लो टाइड्स में आते हैं, ठीक, जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। कैसे प्रोड्यूस होती है? देखिए यहाँ पर हाई टाइड्स और लो टाइड्स दिया हुआ है। ये हाई टाइड है, ये लो टाइड है, ठीक है। यहाँ सेंटर पे टरबाइन लगा हुआ होता है। टरबाइन से कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है ये तो आपको पता चल ही गया है, है ना? Yes, ma'am. ठीक है, तो फॉर दिस डैम्स आर मेड एट द माउथ ऑफ सी बेस। यहाँ पर सी बेस आपको दिखाई दे रहा है, ये सी बेस आपको दिख रहे हैं। Yes, दिख रहा है ना सी बेस, ठीक है। एट हाई टाइड द लेवल ऑफ द वॉटर इंक्रीजेस एंड वॉटर फ्लोस इन टू द डैम। जब हाई टाइड होता है तो वॉटर लेवल क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। हाई टाइड में देखिए वॉटर लेवल इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, जिससे वॉटर जो है वो डैम की तरफ बहने लगता है, विच मेक्स द टर्बाइन प्लेस्ड ऑन द वे। जहां पर देखिए टर्बाइन जो है वो रोटेट होने लगता है। सेंटर पर जो टर्बाइन दिख रहा है ना, जब पानी एकदम तेजी से आता है तो पानी पड़ने पर टर्बाइन क्या होगा? तेजी से अगर कोई भी पानी आ रहा है तो टर्बाइन घूमने लगेगा, घूमेगा। यस मैम। यस मैम। इन द सेम वे लो टाइड में देखिए वॉटर फ्लो फ्रॉम द डैम टू द सी। वॉटर जो है डैम से सी में आ रहा है, दिख रहा है? यस मैम। यस मैम। Which again makes the turbine rotate, जिससे फिर से टर्बाइन क्या होगा? रोटेट होगा। हाई टाइड में वॉटर कहाँ से आता है? सी, सी से डैम में आता है, ठीक है। सेंटर पर जो टर्बाइन रहता है वो घूमने लगता है, और लो टाइड में डैम से वॉटर सी में आता है, जिससे सेंटर पर जो टर्बाइन रहता है वो घूमने लगता है, ठीक है। और अगर टर्बाइन घूम रहा है तो इससे क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा, क्योंकि टर्बाइन किससे कनेक्टेड होता है? जनरेटर से कनेक्टेड होता है, ठीक है। द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी हियर इज टाइडल एनर्जी। इस तरह से ये जो एनर्जी का सोर्स है वो क्या है? टाइडल एनर्जी होता है, ठीक है। इन इंडिया प्लेसेस फॉर टाइडल एनर्जी हैज बीन डिस्कवर्ड इन दीज आर एट बे ऑफ कच्छ इन गुजरात। टाइडल एनर्जी से कहाँ कहाँ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है? कच्छ में, गुजरात में जो है, ठीक है। एंड द ईस्टर्न बॉर्डर नियर वेस्ट बंगाल। क्लियर है यहाँ तक सभी को? यस मैम। यस मैम।
ओके नेक्स्ट हम देखते हैं विंड एनर्जी. निपुण रीड करो. यस Wind energy. You must have seen bits of paper leaves flying in a strong wind. Can you get energy from a strong flowing wind? Let us now this by an activity. Material required: paper, pin, straw or stick. Take a square shaped paper and fold it diagonally. You will find the mark of the folds as shown in figure. Now cut the paper at the mark to half of the length. Take on end of each cut and paste it at the center to form a structure fan as shown in figure 12.4C. At the center, make a hole with a pin and attach it to a straw or stick. Hold this fan in your hand and run or place this fan on the way of the wind coming through a window. What do you see? Ma'am, ho gaya. Okay. Wind energy. You must have seen beads of paper, leaves flying in strong wind. Can you get energy from strong flowing wind? Let us know. This by an activity. आप जब खेलते हैं ठीक है तो आप किसी भी पत्ते से लीफ से आप ऐसे पंखे जैसा बनाते हैं उसको घुमाते हैं. याद आ रहा है? या फिर पेपर से हम फोल्ड करके ऐसे उसको हम चक्री के जैसे बनाते हैं और उसको खेलते हैं. Yes, ma'am. उसी तरह से आपको यहाँ पर एक पंखे जैसा बनाना है ठीक है. इसके लिए बहुत ही इजी है ये, आप लोग खेलने के लिए ऐसा यूज करते ही हैं. तो देखिए यहाँ पर पेपर लिया गया है, पिन लिया गया है, स्ट्रॉ या फिर स्टिक ले सकते हैं, हम वैसे ही बनाते हैं ठीक है. क्या करना है, स्क्वायर शेप में पेपर लेना है, उसको फोल्ड करना है स्क्वायर शेप में ठीक है. ये देखो यहाँ पर स्क्वायर शेप में पेपर को फोल्ड किया गया है. उसके बाद कैसे कट किया जा रहा है, यू विल फाइंड द मार्क ऑफ द फोल्ड एज शोन इन फिगर. जैसे मार्क किया गया है, फोल्ड किया गया है ना पेपर को और मार्क किया गया, उसी तरह से आपको कट करना है. फिगर में दिखाया गया ना उसी तरह से. नाउ कट द पेपर एट द मार्क्स टू हाफ ऑफ द लेंथ. टेक वन एंड ऑफ ईच कट एंड पेस्ट इट एट इन द सेंटर टू कॉमन स्ट्रक्चर. जैसे कि स्ट्रक्चर में दिखाया गया, एक एक एंड को कट करना है और उसे सेंटर पे लाकर फोल्ड करना है. कैसा बनाना है, समझ आ गया है ना? सेंटर पे आपको क्या लगाना है, स्ट्रॉ या फिर स्टिक लगा देनी है ना? अब आप उसे जब बहुत तेज हवा चल रही होगी तब आप उसे बाहर देखेंगे तो वो क्या होने लगेगा, घूमने लगेगा है ना. जैसे कि फैन घूमता है उसी तरह से वो भी घूमने लगेगा, जब हवा चलती है तो वो घूमने लगेगा. व्हाट डू यू सी, देखिए यहाँ पर दिख रहा है विंड फार्म, दिख रहा है विंड फार्म में भी जैसे आपने चक्री बनाया इसी तरह से विंड फार्म में बड़े बड़े यहाँ पर विंड सोर्सेस लगे हुए हैं, दिख रहा है? यहाँ देखो फ्लोइंग विंड इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ एनर्जी. हवाएं जो बहती हैं वो भी एनर्जी के सोर्स हैं, जिसे हम विंड एनर्जी कहते हैं ठीक है. इससे भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है. द डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ विंड वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम, बट एट सम प्लेसेस द डायरेक्शन एंड स्पीड रिमेन्स कॉन्स्टेंट. ठीक है, वैसे तो हवाएं जो है अलग अलग जगह पर अलग अलग चलती है ना? यस मैम. और हवा चलने का जो डायरेक्शन होता है वो भी अलग अलग होता है, लेकिन कुछ जगहों पर हवा का जो डायरेक्शन होता है, हवा का जो स्पीड होता है वो कांस्टेंट होता है ठीक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते. एट दिस प्लेसिंग, ऐसे जगहों पर क्या किया जाता है, बड़े बड़े फैंस लगाए जाते हैं. जैसे कि विंड फार्म में दिखाई दे रहे हैं ना, विंड मिल्स में बड़े बड़े फैन लगाए जाते हैं जिसे टर्बाइन कहा जाता है. Yes, ma'am. Okay, yes, ma'am.
जिसे जनरेटर से कनेक्ट किया जाता है और फिर इसमें से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है जनरेटर के द्वारा, ठीक है। द प्लेसेस वेयर दिस विंड मिल आर कंस्ट्रक्टेड आर कॉल्ड विंड फार्म, जहां पर इन विंड मिल को बनाया जाता है, वो जगह जहां पर विंड मिल्स को बनाया जाता है उस जगह को क्या कहते हैं? फार्म। विंड फार्म कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं? विंड फार्म। इन इंडिया प्लेसेस लाइक गुजरात, राजस्थान, इंडिया में कहाँ कहाँ पर है ऐसी जगह जहाँ पर विंड मिल है? गुजरात, राजस्थान, वेस्टर्न मध्य प्रदेश, सी शोर एरिया मतलब समुद्र के किनारे वाला एरिया, साउथर्न तमिलनाडु, आइसलैंड्स ऑफ बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी एंड सम प्लेसेस ऑफ कर्नाटक आर फाउंड सुटेबल फॉर विंड फार्म्स, ठीक। Why are these places only suitable for the installation of wind farms? यही जगह क्यों suitable है wind farms के लिए? बता सकते? मैम क्योंकि वहाँ पे हवा same जगह चलती है। हाँ, same चलती है इसीलिए, ठीक। Next is है steam energy है ना? ठीक, तो स्टीम एनर्जी के बारे में हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी आप लोगों को जो चैप्टर मैंने कंप्लीट करवा दिया, अगर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आप लोगों ने नोट कर लिया है? यस मैम। हाँ, उसे चेक करवाइए। ओके मैम। ओके मैम।